दोस्तों हम YouTube चैनल हमारे एम सी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एप्सन सीरीज पे वर्क फोर्स यानी WF7521। आज आपको बताएंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करते हैं विंडो पे और इसके बाद कैसे रीसेट करते हैं, चलिए आज जानते हैं। दोस्तों पहले हमारे इस कंप्यूटर पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद इसको हम फोल्डर को बाहर अनजिप करा लेते हैं। अनजिप करा लिया है और इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही मेरे पास आ जाता है एडजस्टमेंट EXE एप्लीकेशन। इसको हम फिर से डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही मेरे पास हार्डवेयर आईडी जनरेट होती है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम लाइसेंस की गन पे जाएंगे। इसको छोटा कर लेता हूँ, की गन में गए और इसको ओपन किए। अब यहाँ पे जो जहाँ पे लाइसेंस आईडी लिखा हुआ है वहाँ पे हम राइट साइड क्लिक करके और कंट्रोल भी कर लेंगे। अब हमने भी करके और पेस्ट कर दिया है। अब हम न्यू की पे क्लिक करके और नया हम एक्टिवेशन की जनरेट करेंगे। तो जैसे कि मेरे सामने एक्टिवेशन की आ चुका है, अब यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं एडजस्टमेंट प्रोग्राम पे और फिर इंटर की में क्लिक करके अब यहाँ पे एक्टिवेशन की डालना है। तो हम यहाँ पे एक्टिवेशन की कंट्रोल भी के साथ पेस्ट कर देते हैं और कर देते हैं ओके। अब जो मेरा प्रोग्राम है वो चालू हो रहा है यानी ओपन हो रहा है। अब जो मेरा प्रोग्राम है ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से तीन मॉडल हैं 7511, 7521 और 7018। इनमें से तीनों मॉडल को आप इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रीसेट कर सकते हैं। जो आपका मॉडल हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा मॉडल है 7521, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो आपका प्रिंटर पोर्ट नंबर है, जैसे आपका प्रिंटर आप ऑन करके रखेंगे और USB से कनेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, और नहीं भी कर रहा है तो आप ऑटो में इसको ऑटो में रखिएगा। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिक उस चीज़ को आपके प्रिंटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ओके हम क्लिक कर दिए हैं और अब आपको जाना है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पे और आना है आपको वेस्ट इंक पैड काउंटर पे। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं एडजस्टमेंट पे, पर अपन को यहाँ जाना ही नहीं है क्योंकि ये पूरे कार्ड को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है यहाँ तक फंक्शन, और नीचे वाली भी कार्ड को भी एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। लेकिन अपन मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस पे वेस्ट इंक पैड पे जाएंगे और इसमें कर देंगे ओके। और यहाँ पे मैन पैड जो काउंटर आता है, अब आई अप्रिंट इंक पैड एट द एंड ऑफ अ प्रिंटर इंक पैड एट द एंड ऑफ सर्विस लाइफ, जो मैसेज आता है हमारे प्रिंटर पे वो इसमें क्लिक करके और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ 100% जितने परसेंट फुल होता है हमारा इंक पैड यानी बेस्ट पैड वो यहाँ पे शो करेगा। अगर ये आप दोनों बराबर हो रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका जो प्रिंटर है ये भी यानी बेस्ट पैड जो मैसेज आ रहा है वो इरेज हो जाएगा और आपका जो प्रिंटर है वो ऑन होना चाहिए और पावर ऑन होना चाहिए और USB से कनेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम पे, तभी ये काम हो पाएगा। वरना ये आप अपने प्रोग्राम यानी जो मैसेज आ रहा है उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। तीन बातों का ध्यान रखें, जैसा कि मेरा प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए मैं इरर आएगा, देखिए सामने इरर आ रहा है। दोस्तों बस आज इतना ही, फिर से नया प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।